पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। खंडेराव को सजा मिलनी चाहिए, दीजिए आप उसे सजा, बेशक दीजिए, लेकिन उससे पहले इसे जला दीजिए। ये क्या है मल्हार राव जी? ये मराठा साम्राज्य के उस हिस्से का नक्शा है जिसे मालवा कहते हैं। ये वो नक्शा है जिसे हमने अपने हाथों से, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से, अपने लहू से सींच कर यहां तक पहुंचाया है। इतिहास में मराठाओं का नाम इज्जत से लिया जाता है, गर्व से लिया जाता है और आगे भी लिया जाएगा। लेकिन आपके मुताबिक ना चलकर, हां रघुबा दादा पेशवा साहब, आपके मुताबिक ना चलकर खंडेराव ने सूरजमल पर हमला करने की योजना को कायम रखा है। आपके हुक्म को टुकरा कर अपने हिसाब से चलना अपराध है पेशवा साहब। हम मानते हैं खंडेराव ने अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है। करीबन 7-8 गज की दूरी से हम सुरंग खोदने का काम शुरू करेंगे। सुरंग? सुनते जाइए, ये सुरंग किले के पीछे वाले मुख्य द्वार से अंदर घुसती हुई किले के अंदर खत्म होगी और वहां किले के मुख्य द्वार से कुछ 100 कदम की दूरी पर कुछ तहखाने हैं और वहीं पर शस्त्र भंडार भी है। हम ठीक कह रहे हैं? ये सुरंग तहखानों में खुलेगी और इससे हमें फायदा ये होगा कि तहखानों के पास जो शस्त्र भंडार है, हमारे सैनिक उस शस्त्र भंडार पर कब्जा कर लेंगे और उसके सारे शस्त्र हमारे कब्जे में होंगे। इससे उसकी ताकत और भी कमजोर हो जाएगी और उसके बाद अंदर जाकर हम खुद सूरजमल के कक्ष को अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमें जो भी करना है 2 दिन में करना है। ये सभी कार्य 2 दिन के अंतराल में पूरे हो जाने चाहिए और इस सुरंग की खुदाई का नारियल हम आज और अभी फोड़ेंगे। नक्शे का ध्वस्त होना मतलब हम सबकी हार है। सूरजमल जैसे को छोड़ देना हम सबकी हार ये है विश्वास रहे, इंसानियत की हार है। क्योंकि उसे अगर जिंदा छोड़ दिया तो वो रुकेगा नहीं, इंसानियत को कुचलता रहेगा और इसके लिए भविष्य और इतिहास मराठाओं को कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि बेशक खंडेराव ने आपका हुक्म न माना हो पर उसने इंसानियत को बचाए रखने के लिए इस संधि का उल्लंघन किया है रघुवर दादा पेशवा साहब, और मालवा के सूबेदार होने की हैसियत से हमें खंडेराव दोषी नहीं नजर आ रहा। मल्हार राव जी, आप ऐसे भावनिक तर्क देकर मालवा के अस्तित्व
और होलकरों के पूर्वजों की दुहाई देकर अपने बेटे की गलती को छुपा रहे हैं, जिसने राघोबा दादा पेशवा की गद्दी का अपमान किया है, उनके हुकुम का उल्लंघन किया है। अब आप ही बताइए, भला राघोबा दादा पेशवा के गद्दी से बढ़कर भी कुछ है? बिल्कुल है। और ये बात खुद राघोबा दादा पेशवा साहेब भी नकार नहीं सकते, क्योंकि किसी भी गद्दी से बड़ा है मराठाओं का सम्मान, मराठाओं का मान, मराठाओं के नाम की दहशत, भगवे झंडे का निर्विवाद वर्चस्व, और ये सभी पेशवा सरकार की गद्दी से बड़े हैं। राघोबा दादा, सूरजमल का परास्त होना मराठा शासन को जीवित बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सूरजमल पर मराठाओं की एक विजय दिल्ली के तख्त को हमेशा हमेशा के लिए मराठाओं का कर्जदार बना देगी। और यह हम सभी जानते हैं कि दिल्ली का तख्त जिसके अधीन होता है, भारतवर्ष का स्वामित्व उसके हाथ में होता है। ऐसे में क्या थोड़ी सी धनराशि के लिए सूरजमल के साथ समझौता करना सही होगा? और क्या भरोसा कि सूरजमल आगे चलकर हमें धोखा ना दे? मैं, मेरा परिवार, मेरा मालवा हमेशा से राघोबा दादा की गद्दी के लिए उत्तरदायी और वफादार थे, है और रहेंगे। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं कि अगर आप कहेंगे तो मैं खुद अपनी सेना लेकर जाऊंगा खंडराव को रोकने के लिए। तो जाइए, अभी निकलिए। सुना नहीं आपने मैंने क्या कहा? जाइए, अपनी सेना लेकर खंडेराव के पास जाइए। एक सुझाव है। हाँ कहो ना। दिन में ये काम करना खतरे से खाली नहीं होगा छोटे सुपिता जी। यहाँ के रहने वाले बहुत से ग्रामवासी सूरजमल के पक्ष में हैं, इसलिए बात सूरजमल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, और फिर वो अपनी ये योजना पूरी नहीं होने देगा। छोटे सुपिता जी, शाम को सूर्यास्त के बाद युद्धबंदी होती है, बिल्कुल सुनसान माहौल हो जाता है। मेरे ख्याल से ये काम तब होना चाहिए। अंधेरे में काम करने वाले हुनरमंद मजदूर हम बगल वाले गांव से मंगवा लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो अहिल्या, ऐसा ही होगा। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ 2 दिन। एक और बात, ये काम बिल्कुल गुप्त तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल राजदारी से।
बाहर वाले लोग तो क्या, हमारी सेना के लोगों को भी इस बात की भनक ना लगे तो बेहतर है। वैसे ये आपने किससे सीखा? एक चूहे से। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।